सपनों के दिव्य लोक एस्ट्रो ड्रीम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, सपने में प्रसाद मिलना जरूरी नहीं, आशीर्वाद ही हो। देव अपराध या देवालय में की गई गलतियों के कारण भी हमें देव दंड भी प्रसाद के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए कुछ सपनों में हमें प्रसाद मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका परिणाम शुभ नहीं होता। आइए जानते हैं आज कि प्रसाद में मिलने वाले कौन से तत्वों से हमें शुभता की प्राप्ति होती है और प्रसाद में मिलने वाली वस्तुओं से किन से हमें बुरा परिणाम मिलता है। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि प्रसाद में आपको नारियल दिखाई दे, गर्भवती को पुत्र का वरदान मिलता है, बिजनेसमैन को व्यापार में वृद्धि धन का आशीर्वाद मिलता है, विद्यार्थियों को अच्छा रिजल्ट मिलने का फल मिलता है, युवाओं को युवतियों को सोचे हुए कार्य में आशा अनुरूप परिणाम मिलने का आशीर्वाद होता है प्रसाद में नारियल मिलना। अक्षत या चावल, खंडित हुए चावल नहीं जो पूरे चावल होते हैं, यदि यह सपने में दिखाई देते हैं, कोई सपने में आपको देता है, तो ये सौभाग्य और समस्या के अंत का सूचक होता है। यदि आपको सपने में खीर कोई प्रसाद में देता है, तो धन लाभ और भूमि लाभ, भूमि से रिलेटेड कोई कार्य फंसा हुआ है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, तो ये उसका आशीर्वाद होता है। यदि आपको सपने में प्रसाद में कोई फूल देता है, तो शुभता प्रसन्नता का आशीर्वाद होता है। स्वप्न में प्रसाद के रूप में फल की प्राप्ति, पुत्र या मनोकामना का पूर्ण होना होता है। बिल्व पत्र या बिल्व फल दिखाई दे, तो भगवान शिव और माता शक्ति की अपने ऊपर पूर्ण कृपा जाने, आपका बचाव होगा किसी बुरी परिस्थिति से। पान और सुपारी, माता रानी का आशीर्वाद, मनोकामना पूर्ति। धन मिलना प्रसाद के रूप में शुभ होता है। बहुत सारे लोगों को दिखाई देता है कि मंदिर में उन्हें सिक्के मिल रहे हैं मंदिर से, या नोट मिल रहे हैं, तो ये अत्यंत शुभ होता है कि आप जो भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं, ये वो भगवान को लग रहा है, जिस कारण से कर रहे हैं वो भी लग रहा है, और शीघ्र ही आपको शुभ समाचार इसके विषय में मिलेगा। यदि आप मंदिर में शंख बजते हुए देखें, या किसी खुले स्थान में शंख बजते हुए देखें, या मंदिर में प्रसाद के रूप में ही आपको कोई शंख देता है, तो ये अच्छे समय का प्रतीक है। मंदिर में शंख बजता हुआ दिखाई देता है तो अच्छे समय का आगमन है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके बृहस्पति का गोचर शुभ में होगा, तो कईयों को ये सपने आ सकते हैं। यदि आपको स्वप्न में कोई चंदन लगाता है, चंदन का तिलक आपके माथे पे लगाता है या चंदन देता है, तो इसका अर्थ हुआ कि आपकी पवित्रता में वृद्धि हो रही है, सत्वगुण बढ़ रहे हैं। यदि स्वप्न में किसी को चुनरी मिलती है प्रसाद के रूप में, तो सौभाग्य और आशीर्वाद का प्रतीक है। दही यदि मिलता है, आपको दही दिखाई देता है आपकी कटोरी में, या आप खा रहे हैं, तो वो भी सुख और सौभाग्य का प्रतीक है, मनोकामना पूर्ति का प्रतीक है। हलवा देखना, मनोकामना की, आपने कहीं पे मनोकामना की हुई है तो आपको हलवा दिखाई देगा, यानी आपने मनोकामना की थी, आपकी पूरी हो गई, आपने जो भगवान के निमित्त वादा किया है, देवता के निमित्त, तो वो आपने नहीं पूर्ण किया अभी तक, तो उसे मंदिर जा कर के पूर्ण कर दीजिए। और यदि आपने हलवा खा लिया, तो ये है फिर देवदंड। प्रसाद में हलवा मिला, आप उसे हलवा खाते हुए देख रहे हैं, तो ये तब होता है, या आपको पूरी मिल रही है प्रसाद के रूप में, सूखी रोटी मिल रही है प्रसाद के रूप में, तो ये सपने अशुभ होते हैं, इनका बुरा परिणाम होता है। ये सपने तब आते हैं जब आपने अनजाने में मंदिर में या किसी पवित्र स्थल में अपने बच्चों को टॉयलेट करवा दिया हो, या आपने गलती से वहाँ पे कुछ अपवित्रता फैला दी हो, तब आपको सपने में ये दिखाई देगा कि आपको रोटी या फिर पूरी मिल रही है, तो ये बीमारी का आगमन होता है, और ये बीमारी लंबे समय तक चलती है, जिसमें आप बहुत परेशान रहते हैं। यदि आपको केसर दिखाई देता है सपने में, तो सपने में केसर देखना शुभ होता है, लेकिन केसर मिले तो शत्रुओं से हानि होती है, और वो भी किस वजह से, कि कोई देव अपराध हुआ होता है, तो इस वजह से शत्रु अचानक ही उठ खड़े होते हैं। यदि आपको प्रसाद में हरी मिर्च, खीरा, कटा हुआ फल मिले, टुकड़ों में फल मिले, तो समझिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, या फिर कटे हुए फल, जैसे आम आपको कटे हुए हिस्सों में दिखाई दिया, तो पूर्ण फल आपको
उस मनोकामना का प्राप्त नहीं होगा, या आपने जो भी इच्छा मन में की है उसका पूर्ण फल नहीं होगा, होगा तो थोड़ा सा अल्प लाभ होगा। गुरु द्वारा सपने में दिखाई दे या मंदिर दिखाई दे तो ज्ञान प्राप्त होता है। जिन लोगों का भक्ति का समय आ चुका होता है उन्हें भी भगवान के या मंदिर के दर्शन होते हैं। सुबह 3 या 4 बजे आपकी आँख खुल जाती है तो आपको वो डिवाइन शक्ति संकेत दे रही है कि अब समय आ गया है कि आप पूजा पाठ भक्ति शुरू कर दें। आपके पुण्य कर्म खत्म हो रहे हैं और अब आप पुण्य कर्मों में बढ़ोतरी कर लें। देवत्व खत्म हो रहा है, अब देवत्व में बढ़ोतरी कर लें और भगवान की भक्ति कर लें। जब भी आपको स्वप्न में प्रसाद में सूखी रोटी, पूरी, हलवा, केसर, हरी मिर्च, खीरा, कटा हुआ फल इत्यादि मिले तो तुरंत ही, मुख्य रूप से यदि सूखी रोटी या पूरी मिले, हलवा मिले और आप हलवा खा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जा करके मंदिर में क्षमा याचना अवश्य करें और दंड के रूप में 10 या 11 रुपए भगवान के मंदिर में चढ़ाएं कि प्रभु यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा करें। हो सके तो मंदिर में साफ सफाई भी कर दें। और एक बात का हमेशा ही ध्यान रखें, जब भी आप जल स्रोतों के पास जाएं तो वहाँ पे अपवित्रता ना फैलाएं, टॉयलेट ना करें वहाँ पे, विष्ठा ना करें वहाँ पे। अगर मंदिर सामने है या छोटा सा मंदिर भी जंगल में है तो उसकी दिशा में देखते हुए टॉयलेट ना करें, क्योंकि शहरों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन गांव में बहुत शुद्ध रूप से पूजा होती है और कई वहां पे उग्र देवता भी निवास करते हैं और पेड़ों की जड़ों में, पेड़ के तने में भी कई जगह देवताओं की मूर्तियां स्थापित की होती है और हमें अनजाने में पता नहीं होता और हम वहां पे टॉयलेट कर देते हैं। तो जब भी आप जंगल के रास्ते में या सुनसान रास्ते में जाएं तो देख सुन करके ही बैठें। जल के पास भी जल के देवता निवास करते हैं तो ये कुदरती ही आपको अपराध लग जाते हैं, ये अपराध हो जाते हैं। मंदिर की दिशा में देख के कभी भी उतनी ऊंचाई पे बैठ करके कभी टॉयलेट नहीं करना चाहिए, जंगल जब भी हम जाते हैं या गाँव की दिशा में जब हम जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें देव अपराध ना लगे। अब देव अपराध की निशानी क्या होती है कि अगर आपको कोई बीमारी लगेगी तो आप डॉक्टर के पास कितनी बार चले जाओ और वो बीमारी एक बार ठीक होगी दोबारा से लग जाएगी, उसका इलाज नहीं हो पाएगा। फिर जब तक आप किसी ज्योतिष के पास ना जाओ, फिर या आप किसी अच्छे पंडित के पास पूछने ना जाओ, या आप कोई दंड ना रखो, क्योंकि उग्र देवता जरा सी गलती भी सहन नहीं करते हैं। शिव का निर्माले कभी भी नहीं लांघना चाहिए, गलती से भी नहीं लांघना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। चलिए गलती हो गई तो भगवान शिव तो माफ़ भी कर देते हैं क्योंकि वो कोई उग्र देव नहीं है, वो सौम्य भगवान है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीच रास्ते में टॉयलेट करते हैं, विष्ठा कर देंगे, बीच रास्ते में कूड़ा डाल देंगे, इससे क्या होता है उनका शनि प्रभावित हो जाता है। जब उनके बुरे ग्रह होते हैं तो वो सारे देवदोष एक्टिव हो जाते हैं, इस वजह से भी देव दोष हमें लगता है जो हमें स्वप्न के रूप में दर्शन देता है। तो ये था आज स्वप्न में प्रसाद में मिलने वाली कुछ वस्तुओं का शुभ या अशुभ कैसा परिणाम मिलता है इसके बारे में जानकारी। धन्यवाद। जय गुरुदेव।